गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इट्स फंक्शंस नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्लो ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन बींग्स में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में उसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स की बॉडी में डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है अब ये डबल सर्कुलेशन क्या होता है अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोस थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट वन कम्प्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन इसकी मीनिंग ये है कि डबल सर्कुलेशन एक ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट के पास दो बार जाती है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक साइकिल कंप्लीट करने की मीनिंग ये है कि जिस जगह से सर्कुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सर्कुलेशन ख़त्म भी उसी प्लेस पर हो तो इट मींस कि वन साइकिल इज बीइंग कंप्लीटेड। इस पूरे वन साइकिल को कंप्लीट होने में ब्लड हमारे हार्ट से कितनी बार होकर जाता है दो बार होकर जाता है ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं इस डबल सर्कुलेशन को अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन की पूरी प्रोसेस टू पाथवेज में होती है टू पाथवेज मतलब एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में दो रास्ते होते हैं टू पाथवे होती हैं एक को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरे को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों ही टाइप की सर्कुलेशन मिलकर डबल सर्कुलेशन की एक साइकिल को कंप्लीट करती हैं अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है इस डायग्राम की मदद से हम इसे समझेंगे सबसे पहली बात जो है जब हम पल्मोनरी सर्कुलेशन वर्ड यूज करते हैं इट मींस कि इसका मीनिंग होता है ब्लड लंग्स की तरफ भेजी जाती है टू द लंग्स टू द लंग्स का मतलब कि जो ब्लड होती है वो लंग्स के पास भेजी जाती है और लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होकर वो लंग्स से आती है अगर लंग्स से इसके रिलेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर बॉडी पार्ट से इसको रिलेट किया जा रहा है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन इन दोनों के ही बीच में जो सर्कुलेशन की प्रोसेस को करने वाला जो पंपिंग ऑर्गन है वो है हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट एंड लंग्स सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स बॉडी पार्ट इन्हीं दो पाथवेज में वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन कंप्लीट होती है अब इसको समझते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को सबसे पहले हम समझेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन को मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ टू द लंग्स फ्रॉम द लंग्स यानी ये जो पूरी साइकिल आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को कवर करता है अब ध्यान से इस बात को समझिए सबसे पहले हार्ट के पास ब्लड आती है हार्ट के पास जो ब्लड आई है वो कौन सी ब्लड है ब्लू कलर से आपको पता है कि वो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब ये साइकिल हार्ट से स्टार्ट होती है हार्ट से स्टार्ट होकर हार्ट पर ही खत्म होगी तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा हार्ट के पास जब डी ब्लड आता है तो हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास भेजता है लंग्स के पास भेजता है लंग्स जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आती हैं तो यहाँ पर इनको ऑक्सीजन मिलती है इस ब्लड को और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम बदल जाती है अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से किसके पास आता है हार्ट के पास आता है अभी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी हार्ट सिर्फ हार्ट से चलकर लंग्स तक की बात की गई जबकि मैंने कहा वन साइकिल को कंप्लीट होने में टू पाथवेज हैं लेकिन अभी जो मैंने आपको पाथवे समझाया है वो केवल और केवल पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात बताई है पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब लंग्स के पास ब्लड गई और लंग्स से ब्लड आई इन दोनों को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के पास ब्लड किस तरीके की गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गई लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाला जो ब्लड वेसल है उसे हम क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं इसके बाद लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है और लंग्स की में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गई और वो वापस से हार्ट में भेज दी गई यहाँ तक कि प्रोसेस को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं अब स्टार्ट करते हैं फिर से सेकेंड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि बॉडी पार्ट्स के पास ब्लड को भेजना और बॉडी पार्ट्स से ब्लड को ले जाना कलेक्ट करना यहाँ पर आप देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आई हैं ये हार्ट से कहाँ पर भेजी जा रही हैं बॉडी ऑर्गेंस के पास भेजी जा रही हैं यानी सबसे पहले टू द बॉडी पार्ट्स यहाँ पर ये ब्लड भेजी गई है किस टाइप की ब्लड भेजी गई है ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजी गई है जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गेंस के पास जाती है तो इसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गेंस बॉडी सेल्स ले लेती हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से फिर ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से कहाँ पर भेजा जाता है हार्ट में भेज दिया जाता है अब बात आती है किन ब्लड वेसल्स की मदद से यहाँ पर ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हुई हैं या सर्कुलेट हुई हैं यहाँ मैंने आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन में बताया था कि हार्ट से लंग्स के पास जो डी ब्लड जाती है वो वेना, वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाती हैं और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक कौन सी ब्लड वेसल पहुँचाती है पल्मोनरी वेंस पहुँचाती हैं कौन सी ब्लड वेसल पल्मोनरी वेंस पहुँचाती हैं अब इसी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक कौन पहुँचाता है डोसल ऑर्टा आपको पता है डोसल ऑर्टा मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल बताई थी डोसल ऑर्टा पूरी बॉडी पार्ट्स में इन ब्लड को क्या करती हैं सर्कुलेट कराने का काम करती हैं इधर से पूरी डिऑक्सीजिनेटेड ब्लड वापस हार्ट में कैसे जाती है विद द हेल्प ऑफ वेना कहवा इस तरीके से ये सर्कुलेशन कंप्लीट हुई अब इस सर्कुलेशन में मैंने आपको बताया कि ये एक डबल सर्कुलेशन है और ब्लड हार्ट के पास दो बार जाती है इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए दो बार कैसे गई है एक बार यहाँ से बॉडी पार्ट से स्टार्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स से कोई चीज़ चली यानी डी ब्लड फ्लो हुई हार्ट के पास पहुँची एक बार हार्ट के पास आई हार्ट से ये गई लंग्स के पास पहुँची फिर लंग्स से ये हार्ट के पास आई तो दोबारा ये हार्ट के पास आई एक बार बॉडी पार्ट से गई तो हार्ट के पास गई एक बार लंग्स से आई तो हार्ट के पास गई तो टू टाइम्स क्योंकि हार्ट के पास ब्लड आई है गई है इसलिए इस टाइप के सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं दूसरी चीज अब यहां से हमने अपना रास्ता स्टार्ट किया था जब हार्ट के पास ब्लड आई तो हार्ट से फिर ये यहां पर पहुंची यानी ये पूरी साइकिल किस तरीके से कंप्लीट हो रही है आप देखिए ध्यान से बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में हार्ट से लंग्स में लंग्स से फिर हार्ट में और हार्ट से फिर बॉडी पार्ट में यानी कि बॉडी पार्ट से हम चले और बॉडी पार्ट में ही हमने अपने काम को फिनिश किया इस पूरे जर्नी को पूरा कंप्लीट करने में कितने पाथवेज आपको नज़र आ रहे हैं एक पाथवे ये आपको नजर आ रहा है दूसरा पाथवे ये आपको नजर आ रहा है तो दो तरीके की ये पाथवेज होती हैं, जो कि एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करती हैं, लेकिन डबल सर्कुलेशन हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे को कंप्लीट होने में ब्लड हार्ट से कितनी बार होकर गई है टू टाइम्स गई है क्लियर दिस पॉइंट अब आते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन अदर एनिमल्स यानी वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है लेकिन अदर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं जिनमें दो अलग अलग तरीके के सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है एक को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं दूसरे को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्सड सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं ये सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है किन में पाया जाता है पहले इसको क्लियर कर लेते हैं सिंगल सर्कुलेशन की मीनिंग है अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लोस थ्रू द हार्ट एट वंस टू कंप्लीट सिंगल साइकिल ऑफ सर्कुलेशन यानी सिंगल सर्कुलेशन एक ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड जो होती है हार्ट के पास केवल एक बार जाती है किस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए और ये सिंगल सर्कुलेशन किस एनिमल में पाया जाता है फिशज में पाया जाता है अगर हम फिशेज की बात करते हैं तो फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होती हैं अभी हमने डबल सर्कुलेशन में देखा फोर चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन बींग्स में थी तो डबल सर्कुलेशन परफॉर्म हुई थी फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होती हैं एक होती है ऑरिकल और दूसरी चैम्बर होती है वेंट्रिकल अब सिंगल सर्कुलेशन को समझिए बॉडी से हम अपनी अगर बॉडी से हम स्टार्ट करते हैं और बॉडी तक ही हमारी प्रोसेस एंड होती है तो ये वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन हुई और इस वन साइकिल ऑफ सर्कुलेशन को कंप्लीट होने में ब्लड हार्ट के पास एक बार जाए तो वो सिंगल सर्कुलेशन है किस तरीके से देखते हैं बॉडी से फिशेस की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले फिशेस के हार्ट की ऑरिकल में आता है ऑरिकल इस ब्लड को वेंट्रिकल में भेजती है वेंट्रिकल इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और फिशेस की बॉडी में जो गिल्स पाई जाती हैं वहां पर सेंड करता है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट से गिल्स के पास गए गिल्स में ऑक्सीजन आती है और उस ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है गिल्स से ऑक्सीजन पाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है लेकिन डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में ये डिफरेंस है कि जब डबल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता था तो वो पहले एक बार हार्ट के पास आता था लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंट है गिल्स में जब डी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाएगा तो ये गिल्स के ही पास से डायरेक्टली कहाँ पर सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा इट मीन्स कि ये वापस से ब्लड में नहीं हार्ट के पास नहीं आया है तो इसी को अब हार्ट के पास गया कितनी बार आप काउंट करिए बॉडी से एक बार हार्ट के पास गया हार्ट से गिल्स के पास गया लेकिन गिल्स से वापस हार्ट के पास नहीं आया डायरेक्ट बॉडी में भेज दिया गया इट मीन्स कि हार्ट के पास ब्लड कितनी बार गया केवल एक बार गया इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं दूसरी चीज सिंगल सर्कुलेशन किन ग्रुप्स के मेंबर्स में पाई जाती है फिशेस में पाई जाती है क्लास नाइन्थ में फिशेस का जो ग्रुप था वर्टीब्रेड्स में पाइसेस में आपने पढ़ा है फिशेस को सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करती हैं इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को हम मिक्स्ड सर्कुलेशन भी कहते हैं क्यों हम इसे मिक्सड सर्क्यूलेशन कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसे टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है जिसमें ऑक्सीज़नेटेड ब्लड और डीऑक्सीज़नेटेड ब्लड दोनों ही एक पर्टिकुलर चैम्बर में जाकर मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद ही मिक्स्ड ब्लड ही बॉडी में सर्कुलेट होता है तो सर्कुलेशन की प्रोसेस में अगर मिक्स्ड ब्लड मिक्स्ड ब्लड का मतलब है ऑक्सीज़नेटेड और डीऑक्सीज़नेटेड ब्लड दोनों अगर मिक्स्ड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है तो ऐसे सर्कुलेशन को हम मिक्स्ड सर्कुलेशन कहते हैं दूसरी चीज मिक्स्ड सर्कुलेशन को पहले क्लियरली समझ लेते हैं फिर इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं मैं आपको यह बताऊंगी मिक्स्ड सर्कुलेशन कौन से ग्रुप के मेंबर्स में पाई जाती है लंग फिशेज में पाई जाती है बहुत सी ऐसी फिशेज होती हैं जिनमें लंग्स पाई जाती है एम्फीबियंस में पाई जाती है रेप्टाइल्स के मेंबर्स में पाई जाती है अगर इन सभी मेंबर्स को देखा जाए ग्रुप के मेंबर्स को देखा जाए तो इनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है कितने चैम्बर्ड हार्ट होती है थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है अगर हार्ट को देखा जाए तो इन थ्री चैम्बर्स में टू ऑरिकल होती हैं लेकिन वेंट्रिकल वन ही होती है राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल एंड सिंगल वेंट्रिकल देन वॉट हैपन्स अगर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है तो वो पहले राइट right ऑर्कल के पास आती है राइट right ऑर्कल के पास आने के बाद वो राइट वेंट्रिकल सॉरी वेंट्रिकल में आती है वेंट्रिकल से वो लंग्स के पास जाती है लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है और ऑक्सीजनेशन के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किस चैम्बर में आती है वेंट्रिकल में ही आती है. तो सोचिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऑर्कल से वेंट्रिकल में आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में आ रहा है इट मीन्स कि वेंट्रिकल में दोनों ही तरीके की ब्लड आकर क्या हो जाती हैं मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होने के बाद ये कहाँ पर सर्कुलेट हो गई बॉडी में सर्कुलेट हो गई तो इसे हम मिक्स्ड सर्कुलेशन बोले अब इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं इनकम्प्लीट वर्ड को आप हटा दीजिए डबल सर्कुलेशन की तो मीनिंग वही है कि हार्ट अगर ए पूरी साइकिल ऑफ सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए अगर ब्लड हार्ट के पास दो बार जाती है तो डबल सर्कुलेशन है अब दो बार कैसे गई है एक बार बॉडी से आई हार्ट के पास गई फिर हार्ट से लंग्स के पास गई वापस से ऑक्सीजनेशन के बाद हार्ट के पास आई तो हार्ट के पास तो ब्लड टू टाइम्स आई है इसलिए ये डबल सर्कुलेशन है लेकिन इनकम्प्लीट क्यों है क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेंट्रिकल है और सिंगल वेंट्रिकल होने की वजह से कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को नहीं भेजी जा रही है मिक्स हो जा रही है डी ब्लड के साथ तो इनकम्प्लीट एक तरीके का ये सर्कुलेशन है इसलिए इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं ये सर्कुलेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है लंग फिशेज में एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स के मेंबर्स में पाई जाती है आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी फिर से ध्यान कर लीजिए डबल सर्कुलेशन जो कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है सिंगल सर्कुलेशन फिशर्स के ग्रुप में पाई जाती है मिक्स्ड सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस के मेंबर्स में रेप्टाइल्स के मेंबर्स में लंग फिशर्स में पाई जाती है एक और बात डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स के अलावा बर्ड्स में भी पाई जाती हैं क्लियर दिस पॉइंट तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए बार बार देखिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए थैंक यू स्टूडेंट्स